डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में वापसी को लेकर कई देश डर के साए में जी रहे हैं। खुद अमेरिकी अधिकारी भी डरे हुए हैं कि अगर ट्रंप दोबारा सत्ता में वापसी किए तो सेना का दुरुपयोग कर सकते हैं। उनका मानना है कि वो अमेरिकी सेना को अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए एक शक्तिशाली हथियार के रूप में बदल देंगे। ये चिंता इसलिए जाहिर की जा रही है क्योंकि हाल ही में उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कह दिया था कि वो एक तानाशाह होंगे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने ये टिप्पणी मजाक में की थी। ऐसे में अब जानकारों का मानना है कि भारत समेत पूरी दुनिया को अमेरिका के बारे में अपनी धारणाएं बदलनी होंगी और अमेरिकी संबंधों में हो रहे परिवर्तनों के अनुकूल ढलना होगा। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर साल 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने का प्रयास करने का आरोप है। साल 2020 के चुनावी परिणाम आने के बाद ट्रंप ने उसे मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उनके समर्थकों की ओर से यूएस कैपिटल पर हमला कर दिया गया था, जो अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। जब उनके तत्कालीन रक्षा सचिव मार्क एक्सपर ने इसका विरोध किया तो ट्रंप ने उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया। यूएस कैपिटल पर हमले की जांच संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के तत्कालीन अध्यक्ष मार्क मिली को सौंपी गई। उन्होंने 6 जनवरी 2021 की अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि रक्षा विभाग में कुछ लोगों को पहले से ही ये आशंका थी कि राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव को पलटने के लिए अपने प्रयासों के समर्थन में सेना का उपयोग करने का अवैध आदेश दे सकते हैं। एनबीसी न्यूज़ से बातचीत में ट्रंप के सहयोगियों ने इस बात की तरफ इशारा किया कि अगर ट्रंप सत्ता में वापसी करते हैं तो रक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। ट्रंप के तत्कालीन रक्षा सचिव मार्क एक्सपर ने अपने संस्मरण सेक्रेंड ओथ में लिखा है कि ओवल ऑफिस की एक बैठक में ट्रंप ने घरेलू प्रदर्शनकारियों के पैरों में गोली मारने का सुझाव दिया, लेकिन मैंने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके बाद उन्होंने मेरी तरफ घृणा भरी नज़रों से देखा था। एस्पर ने अपनी किताब में यह भी खुलासा किया कि साल 2020 में कई बार ट्रंप ने मैक्सिको पर मिसाइल दागने का मन बनाया ताकि अवैध ड्रग लैब को नष्ट किया जा सके, लेकिन उन्हें यह समझाया गया कि युद्ध की कार्रवाई होगी। ऐसे में उनका जवाब था कि अमेरिका मिसाइल दागने की कार्रवाई से इनकार कर देगा। एक अमेरिकी सीनेटर बोल्टन का कहना है कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल दिन ब दिन संवैधानिक संकट से भरा होगा। एक दिन न्याय विभाग, अगले दिन पेंटागन यानी कि रक्षा विभाग, और उसके बाद होमलैंड सुरक्षा, यह निरंतर जारी रहेगा। इस बात की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है कि पिछले हफ्ते हुए रिपब्लिकन सम्मेलन में पार्टी ने उनकी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन किया, जिसमें आयात शुल्क में वृद्धि और ग्लोबलाइजेशन का विरोध शामिल है। पार्टी के प्रस्ताव में अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही गई और इसके लिए रास्ता अख्तियार किया गया आयात शुल्क में वृद्धि। इसका असर दुनिया समेत भारत पर भी पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि अगर आपको लगता है कि अमेरिका आयात का एक बड़ा स्रोत है तो आपको आने वाले ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए अपने मानसिक स्थिति को बदलनी होगी। हालांकि भारत के लिए व्यापार के मुद्दे पर ट्रंप का पहला कार्यकाल भी अड़चन बढ़ा रहा, लेकिन दूसरा कार्यकाल तो एक गंभीर चुनौती बन जाएगा, जिससे निपटने के लिए भारत की अपनी व्यापारिक रणनीतियों पर फिर से विचार करना होगा। जानकारों का कहना है कि सुरक्षा के मामले में भारत अमेरिका के बीच तालमेल तो ठीक है, लेकिन ट्रंप के शासन में इस आशय से आगे बढ़ना कि वो रूस और अमेरिका दोनों के साथ खेल सकते हैं तो ये बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि ट्रंप अमेरिका के महाशक्ति संबंधों को हिला देने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर ट्रंप दोबारा सत्ता में वापसी करते हैं तो दुनिया को अमेरिकी संबंधों में हो रहे परिवर्तन के अनुकूल ढलना होगा। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।